ब्रेक के बाद फिर से खुशामदीद। मामला है जाली और बोगस वोटों का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने वो गुफ्तगू देखी जो 9 मार्च 2011 को ही मुबशिर लुकमान की इमरान खान, शेख रशीद और हाफिज सलमान भट्ट से। अब मुबशिर लुकमान इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इस मामले के हवाले से, इस केस के हवाले से मैं उनसे ज़रा बात करना चाहूँगा। मुबशिर, आप इस वक्त सवाबी में आएँ और वहाँ पर मसरूफ़ हैं, इसी वजह से आज का प्रोग्राम भी नहीं कर पे, मगर हम आपको अभी भी तंग कर रहे हैं और पूछना आपसे ये है कि इलेक्शन कमीशन अब बताया जा रहा है कि इस हवाले से तस्दीक कर चुका है आपकी। मैंने वो गुफ्तगू भी देखी जो कमर दिलशाद से आपने अपने प्रोग्राम में की थी। हाउ कन्विंस्ड आर यू ऑफ दिस होल इशू, अपने अपने स्टांस के बारे में? रहमान, पहले तो आपका मैंने शुक्रिया अदा करना है। आप मेरी एब्सेंस में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ ग्रेट शो एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड आई एम थैंकफुल टू यू। मैंने आपको ये बताना है कि जी, अगर मैं कन्विंस ना होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाता, और अगर मेरी बात में कन्विक्शन ना होती, मेरे पास कोई एविडेंस ना होता, तो सुप्रीम कोर्ट मेरी रिट को एंटरटेन क्यों कर लेता, उसको एडमिट क्यों कर लेता? और उसके बाद आप देखें कि 2 दिन के अंदर 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की सरबराई में बना, और उन्होंने आज फौरी तौर पे जो अहकाम जो हैं सादर किए हैं नादरा के लिए भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, और उन्होंने खुद चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये इंतहाई हसास मामला है और पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त पेचीदा मसाइल हैं जो सियासत से लिंक्ड हैं उसमें शायद ये सबसे अव्वलीन इसकी प्रायोरिटी है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि क्या हो रहा है हमारे साथ। आपको मैं बताऊं कि मैं सवाबी में जो आया हूं, दुनिया न्यूज की पूरी टीम मेरे साथ है यहाँ पे, और नौशहरा, सवाबी और पेशावर, इन 3 जगहों का आज हमने किया। कल हम टेक्सल और वहां भी जा रहे हैं। वहां पे हर शख्स मुझे ये कह रहा है कि हुकूमत का कोई आदमी नहीं आया, ना फेडरल गवर्नमेंट का ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। सैलाब के बाद उन्होंने वादे किए, ऐलानात किए, लोग अभी तक घरों के बाहर पड़े हुए हैं, मलबों में पड़े हुए हैं, और यह है कि एनजीओज और इंडिविजुअल्स जाके वहां पे घर बना रहे हैं और उनको अद्वियात भी दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो मैं समझता हूँ जो जाली वोट, जाली डिग्री, जाली यसना, जाली क्लेम्स ले लेके हमारे कानून साजी कर रहे हैं, उन लोगों को अब जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की अवाम का हक है कि उनके हकीकी नुमाइंदे जो हैं वही अराकीन असेंबली हों और वही कानून साजी करें ताकि उनको रिलीफ। अच्छा, आपने अभी हकीकी नुमाइंदों की बात की, इस सारे मामले से एक बात तो वाज़ह है कि इस इन जाली वोटों का, बोगस वोटों का जो बेनिफिशियरी है वो कौन है, और फिर इस बेनिफिशियरी के साथ क्या किया जाए, क्या उसके बारे में, उसकी लेजिटिमेसी के बारे में, उसकी क्रेडिबिलिटी, वो इस सारे मामले के बाद किस तरह से वो कहां स्टैंड करती है? रहमान, आपको मैं बताऊं और आपकी तवस्सुत से मैं तमाम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि पिछले 5 दिन में और दुनिया न्यूज की जो सीनियर मैनेजमेंट है जिसमें हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं और दीगर अफराद भी हैं, नवीद काशिफ साहब भी, उनको पता है कि कितने लोगों ने हमसे राबता किया और हमें इखलाकी तौर पर या दूसरी तरीकों से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये पिटीशन ना दाखिल हो पहले और फिर ये कि किस तरह इसको वापस लिया जाए। लेकिन वी आर कमिटेड टू आर कंट्री, हमारी ये हमारा मुल्क भी है और हम इसके शहरी भी हैं और टैक्स पेयर शहरी भी हैं। इसका जो एक नुकसान या फायदा होना है मैं आपको बताता हूं कि अगर तो हमारी बात में वजन है, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समझेगा कि हमने कोई सही बात की है या सही ऑब्जेक्शन की है और उसका इस सिलसिले में जो भी फैसला होगा वो बहरहाल हमें मनोवान कबूल करना होगा, चाहे वो हमारे हक में हो चाहे हमारे खिलाफ हो। ये सब कुछ तो देखना, ये सब कुछ सियासी जमातें ही करती है ना। आप मर्दमशुमारी में आबादी बढ़ाने का मामला हो, जो लोग असेंबलीज के अंदर बैठे हुए हैं, जो लोग वहां पे मुराद ले रहे हैं, जिन लोगों ने 3-3 साल से तनख्वाहें ले ली, अगर ये साबित हो जाए किसी एक शख्स के ऊपर भी कि उसके वोट जाली हैं तो क्यों उसको फाइन ना हो, क्यों उसको आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक कैद ना हो, क्यों उसको सजा ना मिले? जैसा आज आमिर सईद काजमी को अरेस्ट किया गया, मैं तो समझता हूं अगर कोई कल्प्रिट है तो उन सबको अरेस्ट होना चाहिए। मगर ये जो सियासी जमातें हैं, आप समझते हैं कि अब इस वक्त इन जाली वोटों और बोगस वोटों के बाद अब उन्हें भी आगे आना चाहिए, वो क्या किरदार अदा करें, उन्हें उनका भी तो कुछ करना बनता है ना इस सारी सूरत हाल में? देखें, जो सियासी जमातें जो इस पे शोर मचाती हैं बोगस असेंबलियों पे या बोगस वोटों पे, या तो वो असेंबली के अंदर नहीं है या उनकी तादाद बड़ी थोड़ी है,
प्रॉब्लम यह है कि जो मेरा मेरी कन्विक्शन है और मेरी पूरी टीम की कन्विक्शन है, सिर्फ मेरी नहीं है, यानी मैंने अकेले ने नहीं यह फाइल किया, नाम मेरा अकेले का है, लेकिन मेरे साथ इसमें खरी बात प्रोग्राम के साथ मुंसलिक जितने भी टीम है वो सारों की उसमें इसमें कन्विक्शन है। हमारे लॉयर्स जो हैं मांडवीवाला एंड जफर, उनकी कन्विक्शन है, और मैं आपको एक बात बताऊं, इतने कन्विंस्ड है कि दे आर डूइंग द केस ग्रेटिस, दे आर मांडवीवाला एंड जफर इज नॉट चार्जिंग फॉर द केस, बिकॉज एक सिटीजन की तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं ये अपील आनी चाहिए सामने। हम कन्विंस्ड हैं कि ये होना पड़ेगा, और हम ये भी कन्विंस्ड हैं कि जो सो कॉल्ड मैं कह रहा हूं बड़ी जमातें हैं, उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि ये लिस्टें खंगाली जाएं या लिस्टें रहेंगी नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया आपका, सवाबी में आप मौजूद हैं, मगर वहां से भी मुबशिर लुकमान ने हमसे बात की। और जाली और बोगस वोटों का मामला, अब ये मामला अदालत में है और अदालत ही इन बोगस वोटों के हवाले से कोई फैसला करेगी। अदालत इस केस की समाअत का आगाज कर चुकी है, मगर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इन जाली और बोगस वोट बनाने वालों का क्या कुछ बनेगा। प्रोग्राम से रहमान अजहर को इजाजत दीजिए।